हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप उन पैसी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं, आपके लिए जो अपडेट है काफ़ी ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अभी यहाँ पे दोस्तों बात करें, हमारा जो ओएस है उसको कैसे अपडेट करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ फाउंडर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारा जो ओएस है उसको कैसे अपडेट करना है, यहाँ पे उस एप्लीकेशन को कैसे अपडेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन है, अपने ओएस का जो एप्लीकेशन है आपको वो ओपन करना है। यहाँ पे अपना जो ओमेल आईडी है, यूज़र नेम है, वो फिल करना है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो फिल करना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपना जो ओईस का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपसे मांगता है आपका आईडी। ठीक है, आपका ओमेल आईडी वो फिल करना है, और आपका जो पासवर्ड रहेगा वो फिल करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ये देखो आप, अपडेट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करने जाएंगे आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो करेगा, ये देखो आप, इस टाइप का पॉपअप आता है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख के आता है अपडेट अवेलेबल, और यहाँ पे लिखा भी है वी रिकमेंडेड दैट यू अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन 1.0.1। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख के आएगा अपडेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना अपडेट, लिखा था, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो ओईस का एप्लीकेशन है, यहाँ पे अपडेट होना चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।